हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। आज हम देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये भी सेल के एक ऑर्गेनेल्स हैं। अभी जैसे कि हमने पिछले वीडियो में साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा है, और अब देखेंगे साइटोप्लाज्म के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, उसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, इन सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करना है। तो इन ऑर्गेनेल्स में से सबसे पहला जो ऑर्गेनेल्स है वो क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मेनली हमने देखिए, इंडो मतलब क्या है, इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम मतलब होता है नेटवर्क, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से समझिए, इंडो मतलब होता है इनसाइड, किसके साइड में, सेल के इनसाइड में। ये जैसे मान लीजिए सेल हो गया, इनसाइड इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है। और प्लाज्मिक मतलब हमने क्या बताया, साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो पाया जाता है उसके अंदर जो नेटवर्क है, जो नेटवर्क है उसको हम क्या बोलेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखिए, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्यूबल्स, प्लेट, वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर रखता है। ट्यूबल्स मतलब जानते हैं, जैसे ये क्या है, ये एक ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैट मतलब क्या है, ये देखिए फ्लैट है, सीधा एकदम, ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर रखता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दीज कंसिस्ट ऑफ ट्यूबल्स, फ्लैट, वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, हम अभी जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेनली दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे क्या होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये आपके फ्लैट होते हैं, क्या होते हैं, फ्लैट। और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ ER होता है, वो ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए, ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर मतलब इस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लैट और ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जो इसका थिकनेस होता है, इस मेम्ब्रेन का जो थिकनेस होता है वो मेनली 15 to 16 एंगस्ट्रांग होता है, ठीक है। इसका जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो थिकनेस है वो मेनली 60 to 50 एंगस्ट्रांग है। और अभी हमने बताया था कि ये दो टाइप का होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हमने अभी बताया कि इस पे क्या होते हैं, राइबोसोम अटैच होते हैं, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पे राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, ये ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो देखिए, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, मान लीजिए हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर में क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बनाया, ये न्यूक्लियस का एक फिगर है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, जिसको इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के जो पेरी न्यूक्लियल शेप होता है, जैसे न्यूक्लियल ये क्या है, ये न्यूक्लियस का एक पेरी न्यूक्लियल शेप है, यहां से क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर निकलता है और ये सेल मेम्ब्रेन से जाके क्या होता है, अटैच होता है। देखिए यहां पे क्या है, ये पेरी न्यूक्लियर शेप इसको बोलते हैं, और फिर इसके अंदर राइबोसोम मेटाबोलाइज हो जाता है, सिंथेसाइज हो जाता है, तो यहां पे वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। देखिए क्या होंगे, यहां पे इस टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे, और ये ड्रग डायरेक्ट जाके सिंथेसाइज होके जो गोल्जी बॉडी होता है वो गोल्जी बॉडी में जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और जब गोल्जी बॉडी, जब हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी होगी तो वहां से क्या करेगा, उसको वो एनर्जी के रूप में देगा। ये किस रूप में इकट्ठा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है, और जब जरूरत पड़ती है एनर्जी की तो ग्लाइकोजन से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और फिर हमारे बॉडी में क्या होती है, एनर्जी मिलती है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। और जो ये इसके अंदर ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर्नल शेप या ल्यूमेन, इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलेंगे या सिस्टर्नल शेप बोलेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका मेनली कितने फॉर्म्स होते हैं, तीन फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, पहला सिस्टर्नल, दूसरा है वेसिकल्स, और तीसरा क्या है, ट्यूबल्स। हमने यहाँ पे बताया है ये क्या है, सिस्टर्नल है, ये है वेसिकल्स, और ये क्या है, ट्यूबल्स, ठीक है। हमने ये भी बताया है जो सिस्टर्नल है
ये सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमेन स्पेस इसको बोलते हैं। ये फ्लैट लाइक जो स्ट्रक्चर है, वेसिकल्स जो है ये जब कोई भी प्रोटीन हो गया वो क्या होता है, सिंथेसाइज होता है या मेटाबोलाइज होता है, तो वेसिकल्स के रूप में जैसे क्या होता है, इस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और इसके रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद से जो ट्यूबल्स है ये कहाँ पाया जाता है, स्मूथ मसल में पाया जाता है। तो हमने मेनली क्या है, तीन फॉर्म बता दिया, पहला सिस्टर्नल जिसको लेमना भी बोला जाता है, दूसरा है वेसिकल्स, ठीक है, और तीसरा क्या है, ट्यूबल्स फॉर्म। तो जो सिस्टर्नल लेमना है ये क्या करता है, फ्लेट लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है, कंसिस्ट करता है। देखिए ये फ्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, फ्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद से इसका जो डायमीटर होता है वो 40 to 50 micrometer, इसका जो डायमीटर होगा वो 40 to 50 micrometer होगा। और जो वेसिकल्स है, वेसिकल्स ये ओवल शेप के होंगे। देखिए ये वेसिकल्स क्या है, यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हमने यहाँ दिखाया था, ये क्या है, ओवल शेप होंगे। ये वेसिकल जितने भी होंगे क्या होंगे, ओवल शेप होंगे। और ये क्या करेंगे, जो भी मटेरियल है अभी मैंने बताया प्रोटीन है, वो सिंथेसाइज होने के बाद ओवल्स के रूप में ये बनेंगे, वेसिकल्स के रूप में इकट्ठा होंगे। और ये डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफर होंगे, गोल्जी बॉडी में, ठीक है, गोल्जी बॉडी में स्टोर होंगे। और जब जरूरत पड़ती है बॉडी को तो क्या करता है, उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है। उसके बाद से ट्यूबल्स फॉर्म, जो ट्यूबल्स फॉर्म होता है ये स्मूथ मसल में पाया जाता है। और ये क्या होता है, ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये क्या है, ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। देन देखेंगे फंक्शन ऑफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन क्या है, तो इसका मेनली जो फंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, वेसिकल्स के रूप में क्या होगा, इकट्ठा होगा, फिर ये गोल्जी बॉडी में जाएगा, वहाँ पे स्टोर होगा। जब एनर्जी की बॉडी की जरूरत पड़ती है तो गोल्जी बॉडी उसको क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद से ये कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाएगा और पेनक्रियाज में पाया जाएगा, ठीक है। जितने भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे वो आपके लीवर में पाए जाएंगे और पेनक्रियाज में पाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फंक्शन ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, ये अपना रहा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेनली क्या करता है, मेटाबॉलिज्म का काम करता है। किस किस का मेटाबॉलिज्म करता है, लिपिड का, ग्लाइकोजन का, और इस सारे को क्या करता है, स्टोर करके भी रखता है। हमने अभी बताया था कि ग्लाइकोजन के रूप में इसको स्टोर करेगा और जब बॉडी की जरूरत पड़ेगी तो ये ग्लूकोज में टूट के क्या करती है, एनर्जी देगा, ठीक है। ये कहाँ पाया जाएगा, जो स्मूथ मसल है ये डिपोज टिश्यू में पाया जाएगा और लीवर में पाया जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने दो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, एक है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन एक होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम आयन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जब कैल्शियम आयन की हमें जरूरत पड़ती है तो फिर क्या करता है, ट्रांसफर करता है जहां पे जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है, ये स्टोर करके रखेगा कैल्शियम आयन को और ये क्या करता है, फिर एनर्जी के रूप में जब चाहिए इसको तो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करेगा। ये मेनली कार्डियक मसल में पाया जाएगा और स्केलेटल मसल में पाया जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।